बेटा, अंदर बैठना। दो दो खा ले, पापा से खा ले। तू क्यों मेरे ऊपर चढ़ी हुई है? ये देखो, ये मेरे ऊपर चढ़ी हुई है। ये ले खा ले ना मेरे बच्चे। आ जाओ, ये ले। मेरा मुंह देखो कितना साफ है। एक सेट, ये देखो मैंने इसका मुंह पूरा अच्छे तरीके से धोता हूँ, क्योंकि ना इसका खाना हमेशा ना यहाँ यहाँ लग जाता है। चीज हो गई है, वो भी आपको दिख जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, नमितोलॉजी के ऊपर। हाँ, और अब आए हैं एसी के अंदर। मनी इनको एसी में, मुझे कितना मजा आ रहा है इसमें। तो गाइस, सुबह सुबह शिवाय को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, और आज शिवाय का कुछ एक्टिविटी है स्कूल में, तो इसीलिए ना बाकी पेरेंट्स तो ना फ्रूट की प्रॉप बना के भेज रहे हैं, मैंने तो फ्रूट ही भेज दिया डायरेक्ट। ये किसी दिन ना शिवाय के प्रोजेक्ट में ताजमहल जाएगी, ठीक है, वहां से ताजमहल चुरा के ले आएगी। तुम्हें ना अपना फेवरेट फ्रूट दिखाना है और बताना है उसके बारे में। तो पेरेंट्स ने ना किसी ने मैंगो का कटआउट बनाया, किसी ने हेड बैंड बनाया मैंगो का। मैं तो भाई एप्पल पढ़ाता घर में, एप्पल ही दे दो। अरे इसका फेवरेट फ्रूट भी नहीं है, क्योंकि घर में पढ़ाई सिर्फ एप्पल था। उसको फ्रूट्स पसंद है। तो मैंने कहा ये हम 3D मॉडलिंग में बिलीव करते हैं, इंजीनियर्स है ना, हम 2D में बिलीव नहीं करते। कौन मेहनत करेगा? ये ले सीधा बोलना मेरे को खिलाया हूँ। तो उसकी दीदी को बोल दूंगी कि बैग में एक एप्पल रखा है, फ्रूट वाली एक्टिविटी होगी, निकाल के ऐसे तो हाथ पे पकड़ा देना, बस हो गया काम। तो कौन पड़ेगा यार इन झंझटों में, चार्ट पेपर लाओ, उसमें से कटआउट बनाओ, फिर एक हेड बैंड बनाओ, फिर उसका पता नहीं क्या क्या बनाओ, फिर कपड़े भी वैसे बनाओ, आएगा अपन से नहीं होता ये सब। तो फिलहाल तो हम इसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, इसका बर्थडे बस आने ही वाला है। इसकी शॉपिंग हो गई है, जे की शॉपिंग हो गई है, राहुल की ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग हो गई है। मुझे राहुल की ड्रेस ऑलमोस्ट जो इन्होंने अब खरीद लिया है, मुझे तो पसंद आई नहीं हुई, लेकिन अब क्या कर सकते, अगले की चॉइस ही ऐसी है। और थोड़ा ओवर साइज है, तो हर ब्रांड में राहुल का साइज नहीं मिलता, तो इसीलिए राहुल को ऐसे ही किसी शॉप से खरीदनी पड़ी। बाकी मेरे कपड़े एक फाइनलाइजेशन के वर्ज पे थे, फिर राहुल ने कहा नहीं, फिर राहुल ने दूसरी शॉप से लेके दिए। अब वहां से लेके दिए तो उस ड्रेस का मजा तभी है जब उसके नीचे नाइकी के अच्छे जूते हों, वो मिल ही नहीं रहे। और मैं तो, मुझे लगता है मैं सबसे बेकार दिखने वाली, क्योंकि मेरा कुछ भी फाइनल नहीं है अभी तक। तो लेट्स सी, बाकी अब पहले इसको स्कूल छोड़ाते हैं, फिर देखते हैं बाकी के काम निपटाते हैं आज, क्योंकि आज का ही दिन है, कल तो छोड़ा हूं ना। Hi guys, good morning and welcome to a new vlog on your favorite channel, Nametology। और आज का vlog हम लोग शुरू कर रहे हैं। शिवाय आ चुका है स्कूल से और बैठ के आराम से पी रहा है थम्स अप। छोड़ दे शिवाय, छोड़ दे ये सब। और राहुल अभी तक तो जाग रहा था, अब सो गया एकदम। क्या हुआ है? और राहुल कल लेकर आया 800 रुपए की नई टी शर्ट अरमानी एक्सचेंज की, नकली। जरा दिखाना खड़े होके। तो गाइस वहां पे देखो, दूर कालू आया है और खेल रहा है अपनी बच्चियों के साथ, कालू और बच्चियां। तो कालू जो है ना इनका पापा, चमेली का हस्बैंड, और वो अपने बच्चों के साथ और चमेली के साथ टाइम स्पेंड करने आया, चला गया। बहुत दूर है इसलिए बहुत ज्यादा जूम करके दिखाना पड़ रहा है मुझे आपको, चला गया। बट बड़ी देर से ना अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, पूरी फैमिली अपनी ना इकट्ठी करके खेलने आया हुआ था। तो गाइस बस शाम को भी मार्केट गए थे, आजकल सुबह शाम ना बस यही काम चल रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर शॉपिंग करो, फिर मार्केट जाओ, फिर आओ, यही काम चल रहा है। तो अभी फिलहाल बाजार गए थे कमला नगर, वहाँ से शिवाय के बहुत सारे कपड़े लेकर आए हैं, इसी में से कोई एक बन जाएगी इसकी बॉडी ड्रेस, थोड़े से जे के लिए लेकर आए हैं। साथ में लेके आए हैं किटकैट के 2 डब्बे, जो कि स्कूल में जाएंगे, ठीक है। स्कूल में ना 10 से 15 रुपये से ऊपर की गिफ्ट नहीं बांटनी होती, तो ये स्कूल जाएंगे। और हाँ जी, हैप्पी बॉय। और यहाँ पे ये अंदर आके बैठ गए, मुझे लग रहा है इसको गर्मी लग रही है, एसी चला दो इसको। राहुल बाबू को गर्मी लग रही है या अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ गई है? थोड़ा पंखा दे, पंखा दे, चला दे, दे। अच्छा जी, अच्छा जी, शूज पहन, शूज उतारो, चलो दूसरा भी उतारो। तो राहुल तो जा रहे वॉशरूम में, उनका पेट जा रही है। क्लोडो बड़ी हो गई यार देखते देखते, अभी तक तो छोटा सा पपी थी, इसने अपनी जगह पकड़ ली। देख लो इसको ना, अपनी जगह पता है इसको, ये जगह ना अब इस रूम में, इस घर में सबसे ज्यादा यही जगह पसंद है, बेड के साइड में, ठीक है। क्यों क्लोडो? बचपन से ना याद है ओला भी मेरे बेड के साइड पे सोती थी। हाँ ओला वो एक दिन अलमारी में भी घुस गई थी, मैं वो स्निपेट देखूंगी, अगर मिला तो डाल दूंगी। शिवानी चॉकलेट क्यों ले आया बेटा? अभी नहीं मिलेगी ये, स्कूल जाएगी चॉकलेट बर्थडे के लिए, बच्चों को नहीं बांटनी स्कूल वाले दिन। अच्छा दूंगी, एक दे दूंगी, रुक जा।
मैम को क्या कहूंगी, बीच में से एक चॉकलेट छिपाने निकाल के खा ली। हाँ अभी दूंगी, चलो क्लोदो कहो मिले बाबू को, कहो मिले बच्चे को। क्लोदो तो ट्रिप पे भी जाएगा हमारे साथ जून के अंदर, जाएगा ना हमारे साथ मशहूरी, जाएगा ना, सिर्फ यही जाएगी क्योंकि ये नहीं गई ना पिछले ट्रिप पे। क्लोडिया तेरी तेरी नजरों से देख रही, गर्मी लग रही है, मैंने यहाँ पे फैन चला देती हूँ, ये ना आराम से ना सोती रहेगी, ठीक है ना। अब देखो मैं जा रही हूँ ना रूम से, तो मुड़ मुड़ के देख रही है आप कहाँ जा रहे हो। मैं ना जाऊँ क्लोडन, सुंदर है यार ये लड़की, आईज कितनी प्यारी है इसकी है। हाय मेरा बच्चा, हाँ मेरा छोटा सा ओला, मेरी छोटी ओली है तू, छोटी ओली जैसे तेरी मम्मा थी ना पारू पारूशी, वैसी है तू, वैसी है तू, है मेरा बच्चा। तो गाइस एक चीज तो कहने की है, कई लेडीज की ना लाइफ में स्ट्रगल होता है और वही स्ट्रगल उनके बच्चों में भी कैरी फॉरवर्ड होता है। तो जिनको याद हो, लेडी ओली खुद एक पारवो सर्वाइवर है, जब वो हमारे घर से आई थी, मतलब हमारे घर आई थी तो आते ही बीमार हो गई थी, ऐसी बीमार हो गई थी कि उसके बचने के चांसेस सिर्फ 5-10% थे। टचवुड क्लोडो के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट इसकी भी देखो आंख में लग गई और उसका भी, फिर इसने कहीं जाना था, जैसे मैं इसको किसी को देते या कोई इसको लेके जाता वो भी नहीं हो पाया, तो ये उस वजह से हमारे पास रहे। तो देख लो मतलब वही सेम स्ट्रगल उसकी लाइफ का उसकी लाइफ में भी गया। बाकी यहाँ पे दो दो ने तो अपनी जगह पकड़ ली, इसको बहुत गर्मी लग रही है, तो ना मैं ना एसी वाली मोड लेके ना जरा एसी चला दूँ ताकि ना थोड़ा सा इनको ना मजा आ जाए, ठीक है। ये लड़का ना चॉकलेट के डब्बे लेके घूम ही जा रहा है, इसको ये बताया कि स्कूल शिवाई ऊर्जा मैम के हैं, ऊर्जा मैम की है ये चॉकलेट, ऊर्जा मैम की है, स्कूल लेके जानी बेटा, स्कूल लेके जानी है, ठीक है ना। हाँ देखो बैठ गया, शरीफ हो गया, सीधा साधा हो गया पहले से, ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है कल आती जा रही है। नहीं एसी चला दिया, थोड़ी देर में कमरा ठंडा हो जाएगा, ये लड़की तब तक थोड़ा सा वो कर लेगी। बेटे दरवाजा बंद कर दो, बाहर ना मच्छर आ जाएंगे, जाओ मेन रोड ना बंद नहीं है, चलो बैठो तो, ठीक है मैं पानी पीती हूँ, बाजार से आया ठंडा ठंडा पानी पीती हूँ, बहुत प्यास लग रही है। कहा हुआ बेटा अंदर बैठने, दो दो ओ दो दिया, दो दो देख रही कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दो दो शिवाय पानी पी लो, रख लो पी लेगा वो, ठीक है चलो। शिवाय तो मस्ती से चॉकलेट लेके किटकैट एक खुलवाई लिया, इसने मानता नहीं है ये, दोई जो जो शिवाय अब जोई से पंगे लेगा पक्का, मैं देख पा रही हूँ। ओए ओए पानी के पास मत आ बेटा, मैंने भाई के लिए डाला है। और जो ये आप गाइस फूल देख रहे पड़े हो, ये देख लो, ये बेसिकली मेरे ऑफिस से आए क्योंकि आज मेरे को 12 साल हो गए वर्क एनिवर्सरी को, और ये बात किसी को और को तो याद होगी नहीं, अमन अरोड़ा को जरूर याद होगी, तो स्ट्राइकर में मुझे 12 साल कंप्लीट हो गए, तो उसी के फूल पड़े हैं। शिवा पानी पी ले, पानी पी ले। उस सोफे से उठ के मैडम अब इस सोफे से आ गई, इस सोफे पे आ गई क्योंकि यहाँ पे इसको मेरा पैर पास में मिल रहा है, तो इसको बार बार आती है मेरे पैर को थोड़ा सा लिक करती है, प्यार करती है और फिर हो जाती है। दो दो ओए दोई, ओए हमारी छोटी घर की छोटी दोई, दो दो बाबा, इतने बड़े हो जाते हैं ना बच्चे, छोटी सी आई थी देख लो ये भी टिड्डू सी कितनी बड़ी हो गई है ना। तुम रात को खाने से पहले इतना क्यों चिल्लाते हो, हैं स्पेशली तू वाला क्यों चिल्लाती है तू इतना, हैं क्या हुआ तुझे, और ना ये बहुत ज्यादा चिल्लाती है, ये देखो ये तो एक्सरसाइज करके दिखा रहा है हमें। खाना ले आऊं, दो बाउल दिए हैं, बाकी सारों को खाना खिला दिया मैंने, वो अलग रहेंगे ना तुमसे, है ना। ओला वाला टेंशन हो गई है कि ये बातें करता करता ना पीछे पीछे जा ही जा रहा है, खाना देगा कि नहीं देगा या सिर्फ बातें करके हमारा पेट भर के चला जाएगा। नहीं बेटा तुम्हें खाना मिलेगा, ये देखो खाना है ना, खाना मिलेगा तुम्हें, वो देखो। अच्छा अब सिट होके दिखाओ, ओला सिट सिट, गुड गर्ल, मुझे सिर्फ तुझसे ही उम्मीद है मेरे बच्चे। बब्जी आया खिड़की में से देखने और उसके बाद चला गया पीछे। खाना खाओगे ना, ये देखो छोटी सी, हाँ तेरा खाना है, वो देखो अपना ना मुंह छुपा के देख रहा है छोटी सी खिड़की में से, ये देखो ऐसे है। ओ खाना खाना है, चलो चलो खाना खाते। तो यहाँ बच्चों का ना खाना चल रहा है, ओला और हमारे बब्जी का, टाइम हो गया रात के 9, आज हमने जल्दी खाना दे दिया। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बता जाता हूँ, जो लोग घबरा रहे थे कि जोई ने खाना खाना छोड़ दिया, नहीं, जोई अब पूरा खाना खा रही है, दो मील्स ले रही है और पूरा भर के खा रही है, और वो सिर्फ गर्मी की वजह से था। मैंने थोड़ा सा डाइट में चेंज भी किया है और आप भी कर सकते हो, अगर आपके घर में कोई पेट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ना, मुझे पता है कि थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा बट
अगर आप दिन में दो बार मील दे रहे हो तो बहुत क्वालिटी मील दो, जैसे मैं दे रहा हूँ, दही भर के दो। यस, दे लव दही, ठंडी फ्रिज की निकली हुई दही, जमी हुई, मतलब या तो पैकेट ले आओ, ठंडा कर लो उसे, ठंडे पानी की बोतल, और उसको ना ठंडा ठंडा सा ना पानी पिलाओ दोपहर के टाइम। इनका ना आप टॉयलेट में भी आप देखो कितना फ़र्क आ जाएगा। अभी थोड़े टाइम पहले ना मुझे लग रहा था कि कोई ना प्रॉब्लम है, किसी को गर्मी हुई हुई है टॉयलेट के अंदर, बट अब सबके स्टूल बहुत सही है। आई नो कि ये बात करना सही नहीं है ब्लॉग के ऊपर, बट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग ना समझ सकें इस बात को। ये रात के खाने में थोड़ा सा बब्जी ने छोड़ दिया, क्या हुआ, मन भर गया, पेट भर गया, आ जा मैं खिला दूँ थोड़ा सा, आ जा आ जा इधर, अरे आ जा, हाँ थोड़ा सा पापा खिला देंगे, आ जा इधर नहीं, इनको प्यार चाहिए, इनको खाना नहीं चाहिए। हाँ ये भी देखो तो मेरे पास आके बैठ गई है, खाना नहीं चाहिए, प्यार चाहिए बस। बस प्यार चाहिए, खाना नहीं चाहिए। ये ले थोड़ा सा, नहीं खाना, चल छोड़ सर हट, मैं इसको, ओला तूने खाना है, तेरा पेट भर गया। ओला ने अपना खाना पूरा कंप्लीट कर लिया तो मैं ओला को दे दूंगा, क्योंकि वेस्ट होने से अच्छा, और मैं ना झूठा खाना नहीं देता बाहर चमेली के बच्चों को, क्योंकि ऊपर से खाना आता है पूरा पेट भर के दो बार मम्मी की तरफ से, और यहाँ पर अभी नीचे ये खाना खा के ही जा रही है, देख लो तो दामिनी जा रही है खाना खा के बाहर, चाली इंतज़ार कर रहा है, और दूर बैठी हुई है हमारी चमेली जो 101% प्रेग्नेंट है, क्योंकि ना मैडम हो गई है मोटी। अब ना वही है ना, कोई ध्यान देगा नहीं, पर मेरे ऊपर आ जाता है कि तुम्हारे घर के पास हुई है और तुम इस सोसाइटी के एक स्ट्रे डॉग्स वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर हो, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, तो देंगे क्या करें, किस्मत में है भाई। और ऐसा नहीं है कि बेमन करूँगा, मन से ही करूँगा, क्योंकि है तो वो भी एक जान ही। तो रात का खाना इन सब का हो गया है, थोड़े से बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद चलते हैं नीचे, और नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि शिवाय क्या कर रहा है मन्नी के साथ। मेरी ना एक पुरानी आदत है, जब भी मैं इनको खाना खिला लेता हूँ ना, तो ये देखो बॉल लेके आ गई है, रात को भी इसको पता है कि खेल, इसका ना मुंह देखो कितना साफ है। हे सर, ये देखो मैंने इसका मुंह पूरा अच्छे तरीके से धोता हूँ, क्योंकि ना इसका खाना हमेशा ना यहाँ यहाँ लग जाता है, तो ओला का तो मुंह साफ हो गया है ना, सुंदर लग रही है। गाइस कमेंट में बताओ आपको ओला सुंदर लगती है कि नहीं लगती, ये देखो ध्यान से देखो इसको, फोकस है, अच्छी है, सुंदर है, खाना खा लिया, पेट भर गया है, चले पापे घूमने घूमने, चलो आओ तो एक चक्कर मार आते हैं बाहर। अच्छा मैंने अभी पूरी बात नहीं की ना, इसलिए रुका हुआ है और आधे पोजिशन के अंदर है, और अब मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूंगा जो भागेंगे, वो देखो वहां पे वो भी वेट कर रही है, चलो कंफर्म हो गया। तो ना आज मैं इनको पीछे से नहीं लेके जा रहा, आज इनको लेके जा रहा हूँ आगे से, आओ चलो यहाँ से चलते हैं, चलो आओ इधर से चलेंगे, बड़े टाइम बाद ये भी नीचे उतरे, ठीक है, देखने के लिए कि कौन क्या हो रहा है घर में, क्या डेवलपमेंट है ना। वरना मैं आपको नहीं कभी खुशखबरी दिखाता हूँ, ये देखो ये ना बैठी हुई है, और हमारे ना एक हेल्पर भी बैठी हुई है, मन्नी बैठी है, किसी को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। और मैं दरवाजा खोल देता हूँ, ओला कम बबे अजय ऐसे ही बैठ जा थोड़ी देर, ओला और बब्जी आए हैं। नहीं नहीं सही है सही है, कुछ नहीं कहेंगे तुझे। संगीता पहली बार मिल रही है इनसे, क्योंकि ये नीचे आए हैं पहली बार, है ना, मतलब जब से संगीता आई है, और मैं इनको रात को घुमाने के लिए लेके जा रहा था, चलो चले आओ घूमने चले मम्मा। बब्जी का काला दिख नहीं रहा, ओला को मैं पहना रही है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बनके फाइनलाइज हो गए हैं कॉलर्स, तो मैं आपको उसके सैंपल्स दिखाना चाहता हूँ, अभी दिखा देता हूँ थोड़े से सैंपल्स। तो ये ना हमारे सैंपल्स है, ठीक है, और ये देखो ये लीश हमने बनवाई है, और ये हमारे प्योर लेदर के ना कॉलर्स बने हैं, बहुत ही क्लासी है, बहुत ही क्लासी है, थोड़ा हाई एंड है बट बच्चों के लिए ना बहुत सही है। ये हमारी ओला चढ़ गई है ऊपर, कॉलर पसंद आ रहा तुझे है, हाँ 100% बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और मैं आपको एक और दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा, आपको तो इतना पसंद आएगा ना, ये देखो ये देखो ये पीस देखो आप, 100% प्योर लेदर, सैंपल्स आए थे हमने अप्रूव कर दिए,
और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम ही कर रहे हैं। तो ये देख लो, ये है एक सैंपल जो बेसिकली, ये देखो ये सोफे पे आके बैठ गए, किस तरीके से मार्केटों के धक्के खा के ये चीज हमें मिली है। ये देखो प्योर बनाया था, तो थोड़ी हाँ थोड़ी सी मिट्टी है क्योंकि हमने सैंपल ट्राई कर लिया था। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये प्योर लेदर है, 100% प्योर लेदर इंडिया में, क्योंकि ये ना वो भी है, हमने इसको लाइटर लगा के भी देखा था, 100% लेदर ओरिजिनेटेड है। ठीक है, रैक्सिन बनाने की जरूरत ही नहीं है। और कभी भी, कभी मैं पहनाना, मैं ना एक रील भी बनाऊंगी ये लेदर के बेनिफिट्स क्यों, क्या होते हैं और क्यों बेनिफिट, क्यों लेदर ही पहनाना चाहिए डॉग्स को, रैक्सिन क्यों नहीं पहनाना चाहिए। मतलब पट्टे सस्ते भी आते होंगे, थोड़े उस क्वालिटी के भी आते होंगे, हल्की क्वालिटी के, लेकिन क्यों नहीं आपको पहनाना चाहिए, उसका रीजन होता है, स्पेसिफिक रीजन है। तो ये गाइस पट्टा है लेडी ऑली का, ठीक है, और भी बहुत सारे सैंपल्स हैं, और हमारे फाइनलाइज्ड सैंपल्स भी अप्रूव हो गए हैं। ठीक है, मैं आपको, और ये देखो ये लीश है, पूरी की पूरी, पूरी लेदर की लीश है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे जल्द। और ये सारे बकल ना ब्रास के हैं, स्टील कोई भी नहीं हुआ, स्टिचिंग देखो कितनी फाइन है। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे थे काफी टाइम से, क्योंकि ना बड़ी ब्रीड के ना पट्टे इतने मजेदार आते नहीं, हाँ, तो हमने सोचा खुद का ही कोई टेलर बिठाया और करेगा, तो ये हमने अपने मास्टर जी से बनवाया, चमड़ा खरीद के। बहुत अच्छा है, पर हमें कॉस्टली बहुत पड़ेगा। ठीक है, मैं तो इनके लिए, मतलब यार अब क्या तुम सोच रहे हो? मैं नहीं सोच रहा, चाहिए अपने लिए कपड़े खरीदते हो, सिलाई के लिए खरीदते हो, नहीं सोचते ना। और वैसे भी इनके पट्टे बहुत लंबे चलते हैं, है ना ओला, पट्टे बहुत लंबे चलते हैं ना आपके। ओला बैठी हुई है मम्मी के साथ, एक पिक्चर ले लेता हूँ तुम दोनों की, बोलो चीज ओला, चीज बब्बे, चीज चीज। हाँ, तो इनकी पिक्चर्स हो गई हैं, वो भी आपको दिख जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर, नमितोलॉजी के ऊपर। हाँ, और अब आए हैं एसी के अंदर, मन्नी इनको एसी में, मुझे कितना मजा आ रहा है इसमें, हैं? हाँ चले घुमी घुमी, बस हो गई मम्मी से बातचीत हो गई, चलो आओ। वो देखो वो नमकीन खा रहा है, मम्मी उसको डांट रही है, सुबह शाम तो नमकीन खाता है, आ जाओ चलो, हाँ चले आ जाओ, चलो 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 चलो। अब बाहर तुम्हें पता है कौन मिलने वाले हैं? दो लोफर, जो दो लोफर है ना वो भी तुम्हें बाहर ही मिलेंगे यहाँ पर। ये देख लो चारों के चारों इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर गुट बना के, और पार्क में जाने की पूरी पूरी तैयारी है इनकी। ठीक है ना, पानी पीना है तो पानी पी लो लोडो, हैं चले पार्क में, चले चलो हटो, चलो चलो हटो हटो, पहले मुझे खोलने दो। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ, चाबी यहाँ पे लगी हुई है, हाँ रुक जाओ चल रहे हैं। और बब्जी तो तब गया जब चार्ली अंदर भागा, देख लो भाग गया उसके पीछे, और ये जा रही है आखिरी में रोशनी, चलो अंदर जाओ। अंदर का मैं नहीं दिखाऊंगा इस टाइम को आपको, क्योंकि अंधेरा बहुत है और मैं नहीं जा रहा, अब इनको फ्री हो जाते हैं थोड़ी देर के अंदर। और ना ये यहाँ पे ना गुट बना के खड़े हो गए हैं, ये देख रहे हो, अरे आगे आगे जाओ, चलो यहाँ से हटो, हट जाओ यहाँ से जल्दी जल्दी, चलो भागो यहाँ से। ओला क्लोई लेडी ओली चलो बाहर, अरे यहाँ से नहीं आना, चल अंदर चल भाग, तू तो हमेशा ही शरारती है। अब मुझे लगता थोड़ा अंदर जाना ही पड़ेगा, और इनको ना थोड़ा दूर करना पड़ेगा क्योंकि ना, चलो 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 चलो। ये देखो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मस्ती मार रहे हैं, वो ना चार्ली को सूंघ रहा है, इन्होंने फिर पानी, ओए नीचे नीचे मेरे कपड़े मत खराब कर, नाइट सूट है मेरा, चलो 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 कम चलो चलो। ये देख लो रात को है, सारे के सारे पता नहीं किसको चिपट गए हैं, ये ना चार्ली को चिपट गए हैं, चार्ली से कोई स्मेल आ रही है, देखो सारे, चलो चलो चलो, देख लो कितना प्यार है इनके अंदर, सबकी पूछे हिल रही है, इतना बड़ा गुट कभी तुमने देखा है? पैक देख रहे हो धीरे धीरे कैसे बढ़ गया हमारा, हमें भी नहीं पता। ये लो अब थोड़ी देर में आवाजें मारूंगा मैं इनको, ये फ्री हो जाएंगे। और यहाँ दूर से ना जोई देख रही है कि तूने मुझे पागल बनाया, बॉल तो तू लाया ही नहीं था। हाँ वाला बॉल तो मैं लाया नहीं बेटा, अभी थोड़ी खेलना, अभी नहीं खेलना ना। और क्लोडो भी आ गई है, और ये देख लो ये तो अपना मस्ती मार के, ये तो पता नहीं चार्ली के पीछे पड़ा रहता है क्या करता रहता है। मुझे लग रहा है कि ना हमने इसकी जो मीटिंग नहीं होने दी ना इस बार, थोड़ा सा इसमें गुस्सा रह गया, पर इवेंचुअली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और देखो सारे सूंघ रहे हैं एक ही गुट में खड़े हुए, और ना दोनों बहनें बीच में आके चार्ली को ना सेव करने की कोशिश करती है, पता नहीं क्या चार्ली को सूंघी जा रहे हैं सारे के सारे। चार्ली मेल है भाई, तू पागल है क्या है, तू पागल है दामिनी,
मेरे ऊपर कूद मारती है तू है? ये देखो एक दूसरे को काट रहे हैं, पीछे बब्जी लगा हुआ है और यहाँ ये तीनों के तीनों। चलो चले अब। तो फाइनली रात की सैर करके ना सारे बच्चे आ गए। मन तो कर रहा है मेरा इनको यहीं सुला दूं, बट ये रात भर ना बहुत दंगे मचाएंगे। पानी डला हुआ है, पी लो अपना अपना पानी। तुम दोनों तो ऊपर ही चलोगे ना? चलो ऊपर चले, हटो हटो, चलो अला तू निकल, क्लोडो फिर तेरा नाम वाला, चल बब्बे चलो। ये जोई भी निकल गई, पर ये दोनों दरवाजे पर, जोई आउट, क्लोडो आउट, नहीं वाला तू नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम दोनों अंदर चलो। देख लो एक कमांड पे ना सारे के सारे बाहर हो गए, बस। हाँ चलो ऊपर चले, अब हो गया ना। चलो हाँ जी, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतना मजा आ रहा है आपको ठंडी ठंडी जगह पे? चलाओ बब्बे चले ऊपर। हाँ ये क्या नमकीन नहीं मिलेगी इस टाइम, इस टाइम कोई नमकीन नहीं मिलेगी, छोड़ो इसे, समझ आ गई? गुड नाइट कर दे। और ना शिवाय बार बार मुझे ना ये दे रहा है पंजाबी तड़का। जा रहे हो? गुड नाइट। गुड नाइट करने आया? फूल देखा, फूल सूंघ रहे, या ले जा फूल ले जा, और आज मल्ली को फूल मिले। मैंने बता दिया। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। नहीं अब तो खाना खा लिया आपने। चलो चले अब फाइनली। आ जाओ चलो। यार ये बहुत प्यारा है। मन तो कर रहा है कि उनको इधर ही सुला दो। फोटो कैसे लेंगे? शिबिया वन टू हे। क्या बोले? बब्बे ओपर खुल गया दरवाजा, आ जाओ चलो आ जाओ। एसी वाले कमरे से जाने का मन नहीं कर रहा ना तुम्हारा, है ना? तो पहले कूलर में कल पक्का लगा दूंगा, कूलर मैंने धुलवा लिया, आ जाओ। अभी रात को एसी में नहीं, फिर आदत नहीं पड़ेगी, पूरा दिन तुम नहीं बैठ पाओगे। वो देखो वो तो लेट ही गई, वो तो जिद्दी हुई है कि मैं तो यहीं सोऊंगी। यहाँ पे नहीं सो सकती मेरे बच्चे, चल है ना, सोना है नीचे सोना है। फिर संगीता दीदी कहाँ सोएंगी? ये उसकी दीवारें तोड़ फाड़ के ना हमारे पास आ जाएंगे। सही में है ना? हाय चल इसको सुन मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ एप्पल कटा हुआ पड़ा है देखियो। ठीक है चलो आओ, चलो चल बाबे कम।